तो अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है और आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर किसी भी तरह का कोई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं डाउनलोडिंग के लिए, जैसे कि आपकी कोई एपीके डाउनलोडिंग वेबसाइट है या फिर आपकी इमेज डाउनलोडिंग वेबसाइट है, गेम डाउनलोडिंग वेबसाइट है, मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट है, इस तरह का डाउनलोड लिंक आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी स्क्रिप्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी एडसेंस की अर्निंग भी आप डबल कर सकते हैं और वहाँ पर यूजर को एक अलग ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही वो आपके बटन पर क्लिक करेगा तो उसके सामने एक छोटा सा पॉपअप आएगा, उस पॉपअप में आपको टाइमर देखने को मिलेगा और उस टाइमर के कंप्लीट होने के बाद उसी पॉपअप में आपका डाउनलोडिंग बटन शो होगा जिस पे क्लिक करके वो फाइल को डाउनलोड कर पाएगा। जितनी देर वहां पे डाउनलोडिंग टाइमर चलेगा उतने टाइम पे आप वहां पे अपना एडसेंस का एड भी दिखा पाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो जैसे कि यहां पर मैंने एक पोस्ट ओपन की हुई है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक डाउनलोडिंग बटन दिया हुआ है। अब कोई विजिटर आपकी पोस्ट पे आता है और आपकी पोस्ट पे आने के बाद जैसे ही वो डाउनलोडिंग बटन पे इस तरह से क्लिक करेगा तो उसके सामने एक इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक टाइमर चल रहा है। ये टाइमर जैसे ही खत्म होगा यहाँ पर उसको डाउनलोडिंग का बटन मिलेगा और इस बटन पे क्लिक करके वो आपके कंटेंट को डाउनलोड कर पाएगा और ये जो ब्लैंक एरिया आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप अपना एक एडसेंस का रिस्पॉन्सिव एड लगा सकते हैं। तो जब तक भी यहाँ पे सेकंड चलेंगे उतनी देर आपका एड भी यहाँ पे शो होता रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको एड किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग का बटन आ चुका है, तो इस तरह से पॉपअप यहाँ पे वर्क करता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस तरह का पॉपअप वाला डाउनलोडिंग टाइमर आपको किस तरह से लगाना है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड को ओपन कर लेना। ब्लॉगर के डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले जाना होगा यहाँ पे अपने थीम वाले सेक्शन पे। चलिए मैं थीम वाले सेक्शन को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज के बगल में छोटा सा एरो का निशान होता है, इस पे जाना और इस पे जाने के बाद आपको एडिट एचटीएमएल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करते हैं तो आपके ब्लॉगर थीम की पूरी कोडिंग आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है। अब आपको करना क्या होगा, कहीं पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल एफ प्रेस करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना हेडर का क्लोज टैग आपको सर्च कर लेना है। चलिए मैं हेड का क्लोज टैग यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड का क्लोज टैग हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक स्क्रिप्ट का लिंक दिया है, आपको सबसे पहले तो स्क्रिप्ट को वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा देता हूं। तो ये स्क्रिप्ट का क्रेडिट जाता है दोस्तों अनु ट्रिक यूट्यूब चैनल वालों को, क्योंकि उन्हीं के चैनल से मैंने इस स्क्रिप्ट को देखा था। अब इस स्क्रिप्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको तीन कोड मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है सीएसएस का कोड, तो इस सीएसएस के कोड को आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है और इसको कॉपी करने के बाद आपको जो हेड का क्लोज टैग है इसके जस्ट ऊपर आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये हमारा एक कोड पेस्ट हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे की साइड बॉटम पे आ जाना। बॉटम पे आने के बाद आपको अपना बॉडी का क्लोज टैग सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी का क्लोज टैग, इसके जस्ट ऊपर आपको एक स्पेस देना यानी कि जगह बना लेना और इसी फाइल को आपको ओपन करना और इसमें बीच वाली फाइल को आपको छोड़ देना, आपको फर्स्ट वाली पेस्ट कर दिए। अब इसके बाद नीचे लास्ट वाली आ जानी यानी कि ये जेएस फाइल, पहले हमने यहाँ पे CSS फाइल को पेस्ट किया था, अब हम यहाँ से JS फाइल को कॉपी करेंगे और JS फाइल को कॉपी करने के बाद यहाँ पर बॉडी के क्लोज टैग के जस्ट ऊपर आपको इसको भी पेस्ट कर देना है। ये दोनों कोड हमारे यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपको अपनी थीम को यहाँ से सेव कर देना है। तो चलिए मैं थीम को यहाँ से सेव कर देता हूँ। चलिए हमारी थीम यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से बैक ले लेना है और अब चले जाना हमें अपने पोस्ट वाले सेक्शन पे। अब आपको यहाँ से उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना जिसमें कि आप इस तरह का पॉपअप वाला टाइमर डाउनलोडिंग बटन ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं किसी भी एक पोस्ट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि बेस्ट टेम्पलेट फॉर ब्लॉगर, मैं इसी को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी पोस्ट को ओपन कर लिया है, अब यहाँ से आपको सबसे पहले तो उस जगह को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आप इस बटन को ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं बॉटम में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं बॉटम में जाऊँगा और बॉटम में जाने के बाद यहाँ पर आपको एंटर देना है और इसके बाद में यहाँ से जैसे कि कोई जो भी लिंक आपको यहाँ पर ऐड करनी है उसके बारे में बताया, जैसे कि ये एक लिंक है, अब मुझे इसी को ऐड करना है। तो चलिए मैं इसी लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद चलिए मैं इसको ऊपर ही कहीं पेस्ट कर लेता हूं ताकि हमारे बाद में काम आ सके। ये चलिए मैंने इस लिंक को पेस्ट कर दिया। अब आपको करना क्या होगा कि नीचे की साइड आपको जो एचटीएमएल कोड मिलता है, बीच में हमने ऊपर वाला सीएसएस कोड पेस्ट कर दिया था और नीचे वाला हमने जीएस कोड भी पेस्ट कर दिया था अपनी थीम में, लेकिन जो बीच में हमारा एचटीएमएल कोड बचा है इससे आपको यहां से पूरे को कॉपी करना है डिव तक। चलिए इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पर जहाँ कहीं भी इसको लगाना है तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे HTML व्यू पे और HTML व्यू पे जाने के बाद अब आपको उस जगह पर इसको पेस्ट कर देना जहाँ पर आप डाउनलोड बटन लगाना चाहते हैं पॉपअप वाला। चलिए मैं सबसे बॉटम पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको चेंजिंग क्या करनी है आप वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आपको अपनी डाउनलोडिंग लिंक कहाँ पे लगानी है। तो जैसे कि चलिए मैंने अपनी डाउनलोडिंग लिंक यहाँ पे कॉपी करके रखी थी तो मैं उसी को यहाँ से
दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के कि कहाँ पर आपको डाउनलोडिंग लिंक लगानी है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन, और बटन के बाद एचरेफ, और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक हैच देखने को मिलेगा इन्वर्टेड कोमा के बीच में। तो आपको ओनली हैच को रिमूव करना है, इन्वर्टेड कोमा को आपको इसी तरह से रहने देना और इस जगह पर आपकी डाउनलोडिंग लिंक इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये हो गया हमारा लिंक किस तरह से पेस्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे एड कोड किस तरह से लगाएंगे। तो एड कोड के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर आपका एड कोड लगा है, आप देख सकते हैं पब्लिशर आईडी वैसे ही दिखाने के लिए लगाई हुई है। ये दोनों इन्वर्टेड कोमा के बीच में आपको अपना एक रिस्पॉन्सिव एड क्रिएट करना है अपने एडसेंस अकाउंट से और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देना है। बस ये आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस पोस्ट को यहाँ से कर देना है अपडेट। चलिए इस पोस्ट को मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, अपडेट हो चुकी है। चलिए इसको बैक ले लेते हैं और बैक लेने के बाद चलिए मैं आपको इस पोस्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए इस पोस्ट को हम यहाँ पे नेक्स्ट विंडो में ओपन कर लेते हैं। तो चलिए मेरी पोस्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो चलिए नीचे बॉटम पे चलते हैं जहाँ पर भी हमने उस बटन को ऐड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बटन यहाँ पे आ चुका है। अब कोई विजिटर यहाँ पे आता है और डाउनलोडिंग बटन पे जैसे ही वो क्लिक करेगा सबसे पहले उसके सामने एक पॉपअप आएगा जिसपे आपका एडसेंस का एड नजर आएगा और 20 सेकंड का वापस को टाइमर देखने को मिलेगा। टाइमर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको डाउनलोडिंग बटन वहाँ पे शो नहीं होगा। जैसे कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पॉपअप बटन यहाँ पे ओपन हो चुका है और नीचे की साइड एक टाइमर चल रहा है। अब ये जो ब्लैंक स्पॉट आपको नजर आ रहा है इस जगह पर आपको आपका एडसेंस का एड कोड देखने को मिलेगा, जो भी एडसेंस का एड कोड आप लगाएंगे। और ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल डिवाइस पे भी अच्छे से वर्क करेगा और आपके डेस्कटॉप वर्जन पे भी अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड टाइमर हमारा खत्म हो चुका है और जैसे टाइमर ऑफ होता है वैसे यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन मिल जाता है। अब इस पर जैसे विजिटर क्लिक करेगा तो वो ओरिजिनल लिंक पे पहुंच जाएगा जो भी उसको आपने प्रोवाइड किए, जो भी कंटेंट आप उससे डाउनलोड कराना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिडायरेक्ट होकर मेरे उस पेज पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिडायरेक्ट हो रहा है। इस तरह से दोस्तों अगर आप भी कोई कंटेंट डाउनलोडिंग रिलेटेड वेबसाइट पे काम करते हैं और आप वहाँ पे किसी तरह का कोई भी एपीके फाइल वगैरह, कोई मूवी वगैरह या कुछ भी चीज़ आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह का एक पॉपअप डाउनलोड बटन आप उस पर लगा सकते हैं। पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि किस तरह से आप अपने डाउनलोडिंग बटन में एक टाइमर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये कुछ एडवांस टाइप का टाइमर है। इसमें आपको पॉपअप भी मिलता है और पॉपअप के अंदर भी आपको एक ऐड देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस कोड को ले सकते हैं। और एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि इसका क्रेडिट जाता है यहां पर अनुट्रिक यूट्यूब चैनल वालों को। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।